गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहले हम शीर्षक समझ लें कि यह शीर्षक लिखा क्यों गया है, कि क्या निराश हुआ जाए। लेखक ने ऐसा लिखा क्यों कि क्या निराश हुआ जाए। तो यहाँ पे इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि आजकल जो हमारे समाज में चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, अपहरण ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो उन्हें सोचकर क्या हमें निराश होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी भी घटनाएं घटती हैं या कुछ ऐसे भी बातें हमारे जीवन में आती हैं जिनसे हमें खुशी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लेखक का आशय है कि बस निराश ही हुआ जाए या कुछ खुशियाँ भी हमें मिल सकती हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक का कहना है कि समाचार पत्रों में आजकल, जैसा कि आप देखते होंगे, जब भी आप न्यूज़पेपर उठाइए, डेली न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ सुनिए आप, तो उसमें ठगी का, डकैती का, चोरी का, स्मगलिंग का, भ्रष्टाचार का, अपहरण का, खून खराबे का, इस प्रकार का समाचार हमें ज़्यादा मिलता है, या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब लेखक का कहना है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है, ऐसा उन्हें लग रहा है। हर व्यक्ति को देखकर हमें संदेह होता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बड़े बड़े पद पे जो लोग हैं उनमें केवल दोष ही ज़्यादा निकाले जाते हैं, लेकिन उनकी खूबियों को कम दिखाया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खूबी होती है, ऐसा नहीं कि बस उसमें दोष ही होता है, लेकिन हमें दिखाई क्या देता है, बस दोष ही दिखाई देता है। हमें उनकी खूबियाँ देखनी चाहिए। इसी प्रकार लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति में दोष के साथ साथ खूबियाँ भी होती हैं, तो हमें उन खूबियों पर ध्यान देख के उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए, उनके दोष को हमें अनदेखा कर देना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। एक बार की घटना है कि एक बहुत बड़े आदमी ने उन लेखक से कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, मतलब जो बैठा हुआ है। जब जो बैठा हुआ है उसमें लोग दोष नहीं निकालेंगे, तो जो दोष नहीं, जो कुछ करेगा ही नहीं, तो उसमें गुण या दोष क्या है ना। तो अगर आप, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आपको प्रश्न उत्तर करने को दिया जाता है या मैथ्स सॉल्व करने को दिया जाता है, तो जो बच्चे कुछ करते ही नहीं तो उन्हें कोई परेशानी ही नहीं होती, ना सही करेंगे ना गलत करेंगे। अगर कुछ करेंगे तभी तो वो सही या गलत करेंगे। तो अगर उन्होंने प्रश्न को हल करने की कोशिश ही नहीं की तो सही गलत कुछ नहीं होगा, जस का तस उनका ज्यों का त्यों रखा रहेगा वो सवाल। तो हम क्या करते हैं कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय क्या है कि आजकल हम लोगों में दोष अधिक देखते हैं और उनमें गुण कम देखते हैं, यह चिंता का विषय है। तो हमें क्या देखना है, लोगों के गुण को देखना है, उनकी अच्छाइयों को देखना है, उनके दोष को हमें क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। वो लेखक का कहना है कि या क्या वही भारत देश है जो हमारे महान देशभक्तों, महान नेताओं ने जिनकी कल्पना की थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। उनका कहना है कि जिन्होंने ऐसा सोचा था कि हमारा महान भारतवर्ष है वो कहीं डूबता हुआ नज़र आ रहा है, आज वह भारतवर्ष नहीं है जिनकी कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानो महा समुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारा महान मनुष्यों के सपनों का है और रहेगा। उनका कहना है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा सपनों का भारत जो है टूट जाए, हमारा सपनों का भारत बनेगा और जैसा ऋषि मुनियों ने सोचा था वैसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि ईमानदारी और मेहनती से, जो मेहनत करके जो लोग जीविका चलाते हैं, वे क्या है, झूठ और फरेब में पीसते जा रहे हैं, और ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जा रहा है,
सच्चाई सच्चे व्यक्तियों को डरपोक समझा जा रहा है। भीरू न डरपोक, भीरू का क्या अर्थ है डरपोक और बेबस। तो सच्चे लोग जो है वो क्या हो गए हैं, डरपोक और बेबस हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मानव जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। मतलब लोगों की जो सोच थी कि जो व्यक्ति सच्चे होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, तो अभी समाज में ये स्थिति है कि जो व्यक्ति सच्चे हैं उन्हें डरपोक कहा जा रहा है और उनके हिस्से में क्या पड़ी है, बेबस वो लोग होते जा रहे हैं। और इस समाज में झूठे लोग, फरेबी लोग समाज में आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं हम, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं जैसे कि आपके जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी घोड़े, बंगले, ये सब, उनके संग्रह पे हमने कभी भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमने क्या किया है, अपने आंतरिक गुण, हमारे अंदर जो गुण है, स्थिर भाव बैठा हुआ है, वही परम और चरम है। मतलब हमने अपने आध्यात्म विद्या या आंतरिक गुणों को आगे हमेशा लाने की कोशिश की है, उसे बढ़ाने की कोशिश की है। मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। सही बात है, ये हमारे स्वभाव में है कि मोह, माया, क्रोध, ये सब हमारे स्वभाव में है। ना चाहते हुए भी कभी कभी हम क्रोध कर लेते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो अगर हम बार बार क्रोधी होंगे या लोभी हो जाएंगे, बहुत अधिक लोभी होंगे, ये हमारे स्वभाव में तो है, लेकिन अगर बहुत अधिक लोभी हम हो जाते हैं तो हम उनके वश में हो जाते हैं, अपने मन के वश में हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें संयम से रहना चाहिए। भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर मन हमारा वश में नहीं है तब हम इन सब की अपेक्षा नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें क्या करना है, हमें अपने मन को हमारे वश में करना है, न कि हमें हम अपने मन के वश में हो जाएं और चोरी, डकैती, लूट, फरेब, ये सब करने लगे। अब आगे कह रहे हैं, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत, सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अर्थात यहाँ पे कहना है कि इस देश में कई कायदे कानून बने हैं जिससे दरिद्र जनों को, भूखे को भोजन मिल सके, कृषि में सहयोग मिल सके, उद्योग, वाणिज्य, वाणिज्य का अर्थ है व्यापार में, सबको और भी अधिक उन्नति मिल सके। उन सब, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम कभी कभी इन नियम कानून को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा में इन सारी चीज़ों को, नीति नियमों को भूल जाते हैं जो हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों ने जिनकी कल्पना की थी। भारतवर्ष जो क्या है, कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। क्या हम करते हैं, अगर किसी भी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं आप लोग, तो हमारे मन में ये क्या रहता है कि अगर ऐसा करोगे तो पाप होगा, खून करोगे तो भगवान पाप देंगे, हम इस चीज़ से तो डरते हैं। लेकिन जो कानून है हमारा, उससे हम नहीं डरते हैं। कानून को तो आज पैसे से खरीद लिया जाता है, कोई किसी का खून कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो सारा चीज़ पैसे की बदौलत वहाँ पे बदल दिया जाता है, सबूत बदल दिए जाते हैं। तो हमें धर्म के नाम से थोड़ा थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन कानून को तो आसानी से लोग खरीद ले रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, वो जो धर्म के विरुद्ध हैं, वो क्या करते हैं कि कानून की जो गलतियां हैं उनमें क्या है, त्रुटियों से लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं है उन्हें। अगर धर्म के लिए जो धर्म नहीं मानते हैं उनका है ये कि वे कानून की त्रुटि को लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। तो ये था यहाँ तक का भाग, आगे का भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक आप इसे ध्यान से सुनकर और समझें।